गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं हमारा सातवां पाठ। मैं हूँ मधुमक्खी। इस पाठ को हम आज देखने वाले हैं और इस पाठ को आज हम शुरू करने वाले हैं। अब देखिए, इस पाठ को हम आज शुरू करेंगे। इस पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है कि जो मधुमक्खी होती है वो क्या है, मेहनती होती है, और जो व्यक्ति मेहनत करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। ये जो है इस पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ हमारा। मैं हूँ मधुमक्खी। संभव और खुशी फूलों के बगीचे में पकड़ पकड़ाई खेल रहे थे। तभी उन्हें फूलों पर मंडराती गुनगुनाती मधुमक्खी दिखाई पड़ी। वह कभी फूल के ऊपर जाती तो कभी उस फूल के ऊपर। दोनों हैरान से एक दूसरे को देखने लगे। तभी उन्हें किसी के ठहाका मारकर हंसने की आवाज आई। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? अरे इधर उधर क्या देख रहे हैं? मैं तो आपके सामने हूँ। संतोष और खुशी ने देखा, सामने पंख फैलाए मधुमक्खी खड़ी थी। वह बड़े प्यार से बोली, बच्चों जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ शहद की मक्खी। हाँ, वही शहद जिसे आप बहुत आप जो है खूब मजे से खाते हैं। अब देखिए, संभव और खुशी जो है दोनों फूलों के बगीचे में पकड़ा पकड़ाई कर रहे हैं। तभी जो है उन्हें फूलों पर मंडराती हुई और गुनगुनाती हुई मधुमक्खी उन्हें दिखाई पड़ी है। और वो जो मधुमक्खी है कभी इस फूल पर तो कभी उस फूल पर जाती। अब ये दोनों हैरानी से वो जो मधुमक्खी है उसको देखने लगे हैं। तभी जो है उन्हें किसी के ठहाका मारकर हंसने की आवाज उनके उन्हें सुनाई पड़ी है। अब जो है वो जो जिसने ठहाका मारकर हंसा है उसकी आवाज उनके कानों पर आई है। क्या कहा उन्होंने? अरे इधर उधर क्या देख रहे हैं? मैं तो आपके सामने हूं। ऐसा जो है किसने कहा है? और जब संभव और खुशी ने देखा कि सामने पंख फैला हुए कौन खड़ा है, मधुमक्खी खड़ी है। वह बड़े प्यार से बोली, मधुमक्खी ने बड़े प्यार से बोला है, बच्चों जानते हो मैं कौन हूं? जानते हो मैं कौन हूं? मैं हूं शहद की मक्खी। हाँ वही शहद। कौन सा शहद? हाँ हाँ वही शहद जिसे आप खूब मजे से खाते हो। ऐसा जो है उस मधुमक्खी ने संभव और खुशी से कहा है। संभव बात काटते हुए बोला, पर तुम तो बहुत छोटी हो, तुम शहद कैसे बनाती हो? मधुमक्खी हंसकर बोली, ठीक है चलो मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। हमारे शरीर पर छोटे छोटे बाल और छोटे छोटे पंख होते हैं। यही पंख उड़ने में हमारी सहायता करते हैं। हमारे लिए आपकी तरह दो आंखें होती है जो सिर के दोनों ओर होती है। प्रत्येक आंख में लगभग 6000 लेंस होते हैं, परंतु हमारे नाक और कान नहीं होते, बल्कि उनके स्थान पर सिर के आगे जादुई एंटीना होते हैं जो सूंघने तथा सुनने में हमारी सहायता करते हैं। अब देखिए, संभव ने जो है उस मधुमक्खी की बात काटते हुए बीच में कहा है, बीच में ही संभव ने उससे सवाल किया है कि पर जो है तुम तो बहुत छोटी हो, तुम शहद कैसे बनाती हो? ऐसा जो है संभव ने उससे सवाल किया है। तो मधुमक्खी हंसकर उसका जवाब दे रही और कह रही कि ठीक है आज जो है मैं जो है आपको अपने बारे में बताती हूँ। ऐसा जो है मधुमक्खी ने संभव से और जो है कहा है।
अब देखिए मधुमक्खी जो है अपने बारे में बता रही है और उसने कहा कि हमारे शरीर पर छोटे छोटे बाल और छोटे छोटे पंख होते हैं, यही पंख उड़ने में हमारी सहायता करते हैं। हमारी भी आपकी तरह दो आंखें होती है जो सिर के दोनों ओर होती है। देखिए मधुमक्खी की भी कितनी आंखें होती है, दो आंखें होती है बिल्कुल हमारी तरह, और जो है मधुमक्खी को उसके शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं, छोटे छोटे पंख होते हैं, और ये जो पंख होते हैं छोटे छोटे वही पंख जो है उड़ने में मधुमक्खी की सहायता करते हैं। और जो है मधुमक्खी के लिए हमारी तरह कितनी आंखें होती है, दो आंखें होती है और जो सिर के दोनों ओर होती है, और प्रत्येक आंख में लगभग कितने, लगभग 6000 लेंस होते हैं। कितने, लगभग 6000 लेंस होते हैं, परंतु हमारे नाक और कान नहीं होते। मधुमक्खी के नाक और कान होते हैं क्या, नहीं, उनकी जगह पर क्या होता है, उनकी जगह पर जो है सिर के आगे जादू एंटीना होता है। लेकिन ये दिख रहा है क्या, ये जादू एंटीना है, ये दिख रहा है ना, ये है जादुई एंटीना जो मधुमक्खी को सूंघने और सुनने में मदद करता है। अब देखिए आगे, हम पैरों की सहायता से सफाई कटाई और किसी चीज को पकड़ कर रखने का कार्य करती हैं। हमारे सबसे पीछे के दो पैरों में फूलों का पराग एकत्रित करने के लिए थैले भी होते हैं। अब देखिए जो मधुमक्खी जो है अपने पैरों की सहायता से जो है सफाई कताई और किसी चीज को पकड़कर रखने का कार्य करती है, और जो मधुमक्खी होती है उसके सबसे पीछे के दो पैरों में, सबसे पीछे के दो पैरों में फूलों का पराग एकत्रित करने के लिए क्या होते हैं, थैले होते हैं, थैले भी होते हैं। ये जो है मधुमक्खी ने अपने बारे में बताया है, जिसे संभव और खुशी से जो है उसने ये बात कही है। अब जो है इस पाठ में आएंगे नेक्स्ट शब्द देखिए, जोर की हंसी, सहायता यानी मदद, पराग यानी फूलों के अंदर पाए जाने वाले सुगंधित कण। इस तरह जो है ये पाठ को हमने देखा है, इसके आगे का जो भाग है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।